देखिए, बुंदेलखंड के हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के हालात पूरे देश में ही बहुत ख़राब चल रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको लेकर, ओलावृष्टि और सूखे को लेकर, जो अभी जिस तरह से किसान पूरे देश में जूझ रहे हैं, तो संजीदगी की जहाँ तक बात है, बहुत राज्य सरकार का एक बहुत ही संवेदनशील इसमें रवैया रहा है। और जितना भी बुंदेलखंड के लिए किया जा रहा है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अखिलेश यादव, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी गए दौरे पर, लेकिन समय समय पर वहाँ पर कई सारे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जितनी भी वहाँ की जिले की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितना प्रशासन है, सबको आखिर पिछले जो चार साल बीते उस दौरान ये संजीदगी या गंभीरता क्यों नहीं देखने को मिली? नहीं, गंभीरता पूरी तरह से थी, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले चार साल में हर साल एक के बाद एक साल हर साल क्रॉप फेलियर हुआ है। जिस तरह की समस्या बुंदेलखंड ने पिछले चार साल में अभी जिस तरह की हमारे सामने आई है, वो पहले उतना हालात उतने खराब नहीं थे कि ओलावृष्टि भी हुई, उसके बाद सूखा भी पड़ा, तो बार बार किसी भी तरह की फसल वहां उग ही नहीं पा रही है। इसके लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो इस समय की जो अभी सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि वहां पे भुखमरी ना मचे, वहां पे किसी तरह का जान का कोई किसी तरह की हानि ना हो, तो उसको चलते अभी जो शॉर्ट टर्म मेजर लिए जा रहे हैं उसके लिए सीएम साहब वहां पर गए। और जो अभी एक ये सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि खाने की जो कमी हो रही थी, तो खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से वहां पे इम्प्लीमेंट करने का काम वो कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन के थ्रू उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, दो दो डिस्ट्रिक्ट वहां पे कवर करे हैं। पूरी समाजवादी पेंशन पूरी तरह से बुंदेलखंड में 100% वो चलाई जा रही है। तो ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिसकी वजह से कि भुखमरी नहीं होगी और इस तरह के, मतलब अभी फिलहाल वहां की हालात वहां के सुधरे रहेंगे। चलिए ठीक है, कितने हालात सुधरते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया कि केंद्र की सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली, और यही वजह है कि बुंदेलखंड के लिए जितना तेज गति के साथ काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये बात मनीष शुक्ला जी, सच है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं।